नमस्कार, खिलाड़ी नंबर वन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और 213 अंकों की गिरावट के साथ सो फार निफ्टी कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। करीब करीब 1% के आसपास का ड्रॉप इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। लाइकवाइज सेंसेक्स और निफ्टी बैंक में भी गिरावट है। सेंसेक्स करीब करीब 1% नीचे, निफ्टी बैंक भी मोर लेस 1% के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। गिरावट थोड़ी और ज़्यादा थी, हल्की सी अपटिक्स आए हैं स्पेशली निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में, जहाँ पर लोअर लेवल एक समय पर 1.5% से ज़्यादा ही गिरावट थी, लेकिन अब 0.25% के आसपास के फॉल आप मिड कैप इंडेक्स में देख रहे हैं। एंड स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1.5% के आसपास अब नीचे है, पहले 2% के आसपास नीचे जा चुका है। सो लोअर लेवल से स्लाइटली मार्केट्स ने संभाला है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप, लेकिन अभी प्रेशर में कामकाज कर रहा है। 365 शेयर तेज़ी में है, 2010 शेयर गिरने वाले हैं और करीब करीब 2100 शेयर थोड़ी पहले गिरने वाले थे और 300 शेयरों में खरीदारी थी। मारुति कल की तेज़ी को आज भी लीड कर रहा है, करीब 5-5.5 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन। टाइटन, ब्रिटानिया, ग्रासिम कुछ और ऐसे नाम जो कि स्लाइटली आज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन कल दूसरा नाम मारुति के साथ था, वो था M&M जो कि कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था। आज वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग है। रिलायंस, ICICI बैंक और SBI, ये 3-4 नाम और जहाँ से मेजरली प्रेशर मार्केट्स की तरफ से आ रहा है। निफ्टी बैंक में सबसे ज़्यादा दबाव और उसका इम्पैक्ट भी आप तमाम स्टॉक्स के ऊपर आता हुआ देख रहे हैं, तमाम बाजार पर देख रहे हैं। तीन खिलाड़ी इस हफ्ते जो हमारे साथ मौजूद है, उसमें ओशो कृष्णन है, रूपक डे है और जतिन गेड़िया है, जिनसे हम बातचीत करेंगे ही, साथ ही साथ उनका रिटर्न्स भी देखेंगे। लेकिन पहले स्क्रीन पर आप उनके रिटर्न्स देख लीजिए। लीड कर रहे हैं ओशो, रिटर्न हालांकि कल के कंपैरिजन थोड़े कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन ओशो लीड कर रहे हैं। रूपक करीब 3% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न है और जतिन गेड़िया 1% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों के ही टॉप कॉल्स भी आप लगे हाथ ले, कौन कौन से कॉल्स थे जहाँ पर एक अच्छे मूव आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया मूव मिड कैप स्मॉल कैप में जिसका रिटर्न भी देखने को मिला। तीनों हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो एक व्यू ओशो मार्केट से आपसे लेंगे, क्योंकि बाजार में आज कई दिनों के बाद लाल निशान देखने को मिला है। एक अंतराल तक हमने तेज़ी देखी है, उसका थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है आज। कोई साइन ऑफ वरीसम, कुछ कोई दिक्कत? वेरी गुड मॉर्निंग सुमित जी। सबसे पहले यस, बहुत मच अवेटेड था मार्केट में करेक्शन, एंड आज भी अगर हम देखें थोड़ा इनिशियल एक घंटे में काफी अच्छा करेक्शन आया है, जिसके वजह से काफी इंडाइसेस में थोड़ा करेक्शन फेज में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं मार्केट। बट अगर डेरिवेटिव डेटा की बात करूं तो 24,300 एंड 200 पे पुट राइटिंग काफी मजबूत हुई थी कल भी, तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ से मार्केट को थोड़ा कुशन मिल सकता है आज के लिए। तो 24,200 और 100 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा कुशन आने को मिल सकता है, एंड जब तक 24,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक वरीसम का बात बिल्कुल नहीं है मार्केट में। इस टाइप की फ्लक्चुएशंस को या इस टाइप की करेक्शन को इवन बाइंग अपॉर्चुनिटी डे ट्रेडर के लिए देख करके चल सकते हैं। सो मेरी एडवाइस है कि अभी आज की करेक्शन को 22,100 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करके चलनी चाहिए। 22,100 स्टॉप लेके आप यहाँ पर फिलहाल खरीदारी कर सकते हैं, सच कोई इतना बड़ा कोई कंसर्न नहीं आया है। रूपक, आप भी यही मान रहे हैं क्या, क्योंकि आज मार्केट्स में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग तो है, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी, तो अभी प्रॉफिट टेकिंग का ही साइन दिख रहा है या यहाँ से शॉर्टिंग शुरू करी जाए? जी, प्रॉफिट टेकिंग तो डेफिनेटली है, लेकिन 24,100 पे एक सपोर्ट है, राइजिंग चैनल का सपोर्ट है 24,100 पे, तो 24,100 के ऊपर जब तक क्लोजिंग दे रहा है और पुट राइटर्स की तरफ से सपोर्ट है 24,000 पे, तो ओवरऑल 24,100 का सपोर्ट एक सपोर्ट का एक ये रहेगा, रेंज रहेगा। तो जब तक ये नहीं टूट रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए और हायर एंड में वापस एक बार 24,400 तरफ जाने के चांसेस रहेगा। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर आपको मेंटेन करनी होगी। जतिन, आपकी क्या राय है, क्योंकि पिक करना इस समय पर सही रहेगा क्या मिड कैप स्मॉल कैप को भी, क्योंकि एक तरफ आपने बढ़िया तेज़ी देखी है लगातार 9-10-17 से, जबकि बाजार तेज़ी में ही चल रहा है, उसके बाद जाके थोड़ा ब्रीदर ले रहा है, तो अभी कुछ खरीदारी करना शुरू करें या फिर अभी वेट करें, थोड़ा और नीचे मिले तो वहाँ पर एंटर करना ज़्यादा बेटर होगा? देखिए, आज तो अगर जो मैं करेक्शन की बात करूँ, आज तो इनफैक्ट फर्स्ट डे है, तो आई थिंक हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और हमें लगता है कि जो अभी कल से आई थिंक IT के रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे, तो हमें लगता है कि एक थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच ही अपनाना चाहिए। मेरे को लगता है कि आज का जो करेक्शन आया है वो एक शायद एक मुझे ऐसा लग रहा है कि नीजक रिएक्शन है, ऊपर खोल के थोड़ा शार्प सेल ऑफ आया है, तो मेरे को लगता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे मोस्ट ऑफ द डे आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है, लेकिन आई विल वेट एंड वॉच।
तो हो सकता है थोड़ा और करेक्शन यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट वेट एंड वॉच, ये ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। आगे बातचीत करते हैं और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं, पोर्टफोलियोज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विनिंग पोर्टफोलियो ओशो का आएगा आपकी स्क्रीन पर, 4.5% का रिटर्न उनके पोर्टफोलियो से जनरेट हो रहा है। पतंजलि फूड्स वो होल्ड कर रहे हैं, एलेवन ट्री वो होल्ड कर रहे हैं, एग्जिट कर गए हैं एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट से 5100 के टारगेट से। एक कॉल का स्कोप ओशो के पास है। ओशो आपकी पहली और इकलौती कॉल। ओशो से शायद संपर्क टूट गया। चलिए एक बार ये रूपक का पोर्टफोलियो भी ले आइए, करीब करीब 3% रिटर्न वहाँ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और रूपक के पोर्टफोलियोज़ में उन्होंने वेल्सपन लिविंग को बाय किया था जहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया, पीएफसी को वो होल्ड कर रहे हैं और ईआईडी पैरी से वो एग्जिट कर चुके हैं। दो कॉल का स्कोप उनके पास है। तो रूपक पहली कॉल आपकी तरफ से। पहली कॉल रहेगी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। तो स्टॉक ने जो कुछ दिन पहले से एक कंसोलिडेशन दिखा रहा था, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया और मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव मोमेंटम। तो शॉर्ट टर्म में 3400 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 3117 पे। तो पीडीलाइट करीब 3173 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है, अभी भी बाजार की गिरावट में कहीं गिरावट ज़्यादा आई नहीं है। तो 3400 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 3117 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। जतिन का पोर्टफोलियो आएगा, करीब 1.25% के आसपास का रिटर्न उनके पोर्टफोलियो से सो फार देखने को मिल रहा है। और उनके पास त्रिवेणी इंजीनियरिंग की कॉल थी जहाँ वो एग्जिट कर गए हैं, प्रॉफिट्स उन्होंने बुक कर लिए अपनी सेल कॉल में, एबी कैपिटल की सेल कॉल में, टेक महिंद्रा को वो होल्ड कर रहे हैं। तो दो कॉल का स्कोप यहाँ पर भी है। जतिन आपकी तरफ से पहली कॉल। जो पहली कॉल होगी वो सिप्ला में होगी। तो सिप्ला में हमने देखा है कि आर्ली चार्ट्स पे एक 5 वेव एडवांस स्ट्रक्चर है और हमें जो आज का करेक्शन देखने मिल रहा है वो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखनी चाहिए। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपना नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव स्टार्ट कर सकता है। तो सिप्ला में बाय की सलाह रहेगी। देखिए आज भी लॉन्ग का ही रिकमेंडेशन है, AIA इंजीनियरिंग पे लॉन्ग का रिकमेंडेशन है। इस काउंटर में कल एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया था, आज मार्केट के करेक्शन होने के वजह से थोड़ा डिप मिला है बस, बट करेंट लेवल्स पे बाय करके चल सकते हैं। इस काउंटर पे नियरली 4450 के टारगेट्स रहेंगे AIA इंजीनियरिंग पे, एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एडवाइस है कि 4150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 4150 का स्टॉप लॉस और 4450 के टारगेट्स के लिए आप AIA इंजीनियरिंग के ऊपर भी खरीदारी कर सकते हैं। तीन नाम जिन पर हम बातचीत कर चुके हैं, आगे कुछ और कॉल्स भी बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ अब एक और खास मेहमान मौजूद हैं कॉर्पोरेट स्कैन में। आज हम बातचीत करने वाले हैं किम्स की मैनेजमेंट से। कंपनी ने विशाखापट्टनम के चलसानी हॉस्पिटल को खरीदने का करार किया है, 75 करोड़ में कैश में डील होने की उम्मीद है। नए अधिग्रहण से कंपनी की विशाखापट्टनम में बेड क्षमता बढ़ेगी। कंपनी की नई डील और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CMD डॉक्टर भास्कर राव। डॉक्टर राव मॉर्निंग। पहले तो इस एक्विजिशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और साथ साथ किस तरह के नए एक्सपेंशन या किस तरह के नए बेड कैपेसिटीज इस एक्विजिशन के बाद आप ऐड होता हुआ देख रहे हैं? Yesterday we acquired one hospital in Vizag, where we have already one hospital existing, where that is a different geography. The one which we have been acquired is running around nearly more than a decade, with a good reputation. The people who are old enough and their second line people are not available in India, that's why they are planning to sell it. Now we bought it for nearly 173 crores, which is 108 crores we paid, and the rest of the 65 crores is existing debt we took over. There may be a spending of another 40-45 crores for the refurbishment and as well as the new equipment we need to put in. So totally we can able to do around 200-250 beds. As of now, the occupancy rate is around 45%. So there is a great scope to improve, and the top line we are doing as of now is around 60 crores with a single digit EBITDA. And next 3 to 4 years, we can able to reach to 200 to 250 crores revenue top line, and with a 20-25% EBITDA margins.
And this is the one which we are taking the ARPOBs as of now is around 17,000-18,000. We can go up to even 30,000. We are doing a lot more transplants and other things. So we are very, very confident because of the location, the reputation which it has, and we are going to purely do the cash and insurance. So we are very, very confident that we can able to turn around much better. That's why we acquired this asset. So Dr. Rao, आप लोगों ने पहले भी एक बड़ा केपेक्स ईयरमार्क कर रखा है जिसमें एक थाने का केपेक्स आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो प्लस ये नया विशाखापट्टनम का एक्विजिशंस. सो कब तक हम इन्हें नंबर्स में आता हुआ देख रहे हैं? व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट कि ये क्वार्टरली नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगा, थाने वाला भी और ये विशाखापट्टनम वाला भी, और कौन कौन से नए सेगमेंट आपको इससे एज मिलेंगे? सो Vizag 1 will able to, Shakapatnam 1 will able to come around the third quarter onwards. Okay. Whereas the Thane 1 will come from 26th first quarter. Maybe we are starting on the fourth quarter of this year. And maybe the top lines will, the financials will come into the first quarter onwards. And Nasik we have been already started. That will come into the third quarter and fourth quarter of this year. The corporates and the other expansion that we are doing in Bangalore, that also will come in the next year first quarter onwards. We may commence in the third, fourth quarter, but it will be able to take the revenues on the quarter will be in the first quarter of the next year. Okay. तो डॉक्टर राव, जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थे उसमें तेलंगाना साइड से थोड़ा सा म्यूटेड एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा था, और कोंडापुर, जो कोंडापुर था उसका कैपेसिटी थोड़ा सा लो साइड पर था. सो अब गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्ट करके चलें उन एरियाज से, क्या पिकअप है वहाँ पे? सो दी एज फार एज तेलंगाना इज कंसर्न्ड, वी हैव बीन एक्वायर्ड दी सनशाइन हॉस्पिटल्स, वी हैव बीन चेंज्ड दी ओल्ड प्लेस टू द न्यू फैसिलिटी ड्यूरिंग दैट शिफ्ट देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ, दैट्स व्हाई दी ग्रोथ वाज म्यूटेड. And as far as the Kondapur is one, now that has been totally almost 95% occupancy is there. Maybe in the next 3 to 4 quarters, we are going to go to the new premises which we are constructing. From there, I think we can able to expect a growth. But as of now, the Sunshine and the Gachibowli, two units which we acquired, that they are showing a positive growth after shifting into the new places. So we are expecting a growth from these two as far as Telangana is concerned. Maybe in the next financial year, first quarter onwards, the Kondapur will start showing the improvement. Okay. So Dr. Rao, एक चीज़ और, आप कोंडापुर में करीब 600 beds की नई capacities add कर रहे थे, जो expect कर रहे थे हम कि quarter third या quarter fourth of FY25 हमें कहीं दिखाई पड़ जाएगा, plus सिकंदराबाद में doctor का जो hiring था वो भी delay हुआ था. So अब ये सब all sorted? Yeah, the Secunderabad one, doctor's delay has been overcome that. Now people are joining. As far as Kondapur is concerned, that will start from fourth quarter onwards, start functioning. Maybe we'll add initially another 200 beds extra. As of now, we have 200 beds. Maybe another 200, 400 beds from the next year, first quarter onwards, that we'll be able to generate. As of now, today, the run rate in the existing Sunshine, which have been shifted the new place, that is showing a good progress as we expected. So that is the where Telangana growth is going to come. Okay, sir. Lastly, Dr. Rao, Vizag का जो acquisition है and plus जो आपने इतने सारे capex earmark कर रखे हैं, चाहे थाने का हो या बाकी details हो, ये सब internal accrual से ही आप लोग कर रहे हो या आप लोग कुछ fundraise का exercise भी going forward plan कर रहे हो उसको लेकर? नहीं. All these we have been taken as far as the Vizag is concerned, internal accruals only. Okay. And we have been taken a little bit debt. We are very, very cautious about the debt. So moving forward with the internal accruals and the debt, whenever there is a need, then we will be able to look into the OFS. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राव, एंड फिर से एक बारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक्सपेंशन के लिए भी, नए एक्विजिशन के लिए भी. उम्मीद करते हैं बढ़िया नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड हम आते हुए देखेंगे, अच्छा एक्सपेंशन आपकी साइड से होता रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया सर. किम्स का स्टॉक भी एक बारी लेकर आइए, किस तरह से आज कामकाज कर रहा है. करीब करीब 40 रुपये ऊपर स्टॉक ट्रेड करता हुआ, 2% की तेज़ी है इस एक्विजिशन के बाद. हालांकि बाजार की गिरावट में थोड़ा सा नीचे जरूर आया, लेकिन फिर भी बढ़िया तेज़ी के साथ स्टॉक कामकाज कर रहा है. एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं. एक एक कॉल्स बाकी हैं, पोर्टफोलियोज बाकी हैं, सब पे बातचीत करते हैं थोड़े से ब्रेक के उस तरह.
अब देख रहे खिलाड़ी नंबर वन और 230 अंकों की गिरावट निफ्टी में है। सेंसेक्स करीब 750 अंक नीचे, निफ्टी बैंक 472 पौने 500 अंकों के आसपास का ड्रॉप दिखा रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स भी वापस अब 1.5% के आसपास के फॉल में कामकाज कर रहा है। कॉल्स ले लेते हैं वापस। जतिन और रूपक हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं, उनकी एक एक कॉल्स बाकी हैं। तो जतिन, पहली कॉल या दूसरी कॉल आपकी तरफ से? जो दूसरी कॉल होगी वो बाई साइड की तरफ एसबीआई लाइफ में होगी। तो आज का जो करेक्शन हमें देखने मिल रहा है, लेकिन एसबीआई लाइफ उसमें भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। अगर जो मैं टेक्निकली पैटर्न बताऊं तो दो दिनों बाद कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, तो हमें लगता है कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, बाइंग मोमेंटम आ सकता है ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ। और जब भी एक थोड़ा रिकवरी का साइन आता है तो एसबीआई लाइफ इज लाइकली टू आउट परफॉर्म ड्यूरिंग दिस पुलबैक। सो एसबीआई लाइफ में बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1508 का और टारगेट रहेंगे 1590। 1590 के टारगेट्स के लिए आप एसबीआई लाइफ पे बाय कर सकते हैं, 1508 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। रूपक, आपकी तरफ से दूसरी कॉल? दूसरी कॉल मेरी तरफ से रहेगी इंडिगो पेंट्स। स्टॉक ने जो रिसेंट कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम भी आज का दिन अच्छा है, मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहे पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा शॉर्ट टर्म में। तो अपसाइड में 1550 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1400 के नीचे। 1400 के नीचे का एक स्टॉप लेके आप इंडिगो पेंट्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। ये एक और नाम जहां पर आप खरीदारी करेंगे और 1550 के टारगेट्स के लिए आप स्टॉप को देख सकते हैं। इस बीच टाटा मोटर्स की JLR इंडिया की Q1 की बिक्री के आंकड़े आए हैं, 31% ये बढ़ी है, 1371 यूनिट्स के आसपास का ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। ये YOY बेसिस पे नंबर है और जो ओवरऑल JLR की रिटेल बिक्री है उसमें 31% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। ऑटो सेल्स के नंबर्स पहले आए थे टाटा मोटर्स के स्टैंड लोन, अब JLR की तरफ से भी नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो Q1 की रिटेल की बिक्री के आंकड़े 31% के आसपास की बढ़त दिखा रहे हैं। ओशो, टाटा मोटर्स कैसा दिख रहा है आपको? कि कल तो 1000 के ऊपर फर्मली होल्ड कर रहा था, आज थोड़ा सा नीचे गया लेकिन वापस 1000 के ऊपर आ गया, क्या करें अभी इसमें? मोटर्स में देखें तो अपने जो बेयरिश गैप है उसे फुलफिल नहीं कर पाया है, अभी भी उसके पास रेजिस्ट कर रहा है। तो जब तक ये हायर लेवल्स पे 1024 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक इसमें थोड़ा कन्विक्शन आना बचा रहेगा, बट 1024 के ऊपर इसमें काफी स्ट्रांग मूवमेंट आ सकती है। वहीं लोअर लेवल्स पे देखें तो इवन सपोर्ट काफी नजदीक में है, 970-980 का सपोर्ट है। तो अगर थोड़ा डिप भी मिलता है 980 के आसपास तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है इमीडिएट बेसिस पे 1020 के टारगेट्स के लिए। तो 1020 के टारगेट्स के लिए इमीडिएट बाय अपॉर्चुनिटी और आप स्टॉप आपको जो बताएगा उसके अकॉर्डिंगली लॉन्ग कर सकते हैं स्टॉक को। अब एक-एक करके तीनों पोर्टफोलियो को रैप कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह के रिटर्न सो फार आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले ओशो का ही पोर्टफोलियो आपके सामने, दो कॉल्स को होल्ड कर रहे हैं। लेमन ट्री होटल्स 158 के टारगेट्स के लिए ऑलरेडी होल्ड है, पतंजलि करीब 1765 के टारगेट्स के लिए होल्ड है, AIA नई कॉल है 4450 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, करीब 4150 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। इसके अलावा जो रिटर्न है उसमें लेमन ट्री 1% नीचे, पतंजलि 1.5% नीचे और AIA 1% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है। जतिन के रिटर्न में टेक महिंद्रा, उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉल है 1525 के टारगेट्स के लिए, सिप्ला करीब 1557 के टारगेट्स के लिए नई कॉल है और SBI लाइफ 1590 के टारगेट्स के लिए नई कॉल उनकी तरफ से ऐड हुई है। जो रिटर्न्स हैं उसमें टेक महिंद्रा 1% नीचे, फ्लैट टू नेगेटिव सिप्ला, फ्लैट टू पॉजिटिव SBI लाइफ सो फार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रूपक की तरफ से PFC 580 के टारगेट्स के लिए उनकी ऑलरेडी होल्ड है, PD लाइट ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं 3400 के टारगेट्स के लिए, नई कॉल है 3400 के टारगेट्स के लिए और इंडिगो पेंट करीब 1550 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके यहाँ पर भी चल सकते हैं। रिटर्न वाइज जो स्क्रीन पर रिटर्न है करीब 2% का पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है PFC से, पीडी लाइट फ्लैट, इंडिगो फ्लैट सो फार कामकाज कर रहा है। तीनों ही खिलाड़ियों का जो रिटर्न है वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। अभी तक की स्थितियों के हिसाब से ओशो और जतिन ऑलमोस्ट नेक टू नेक 1-1.5% का रिटर्न और रूपक करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सो फार उनका रिटर्न आता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मार्केट्स है थोड़ा सा वॉलेटाइल है, लेट्स सी कैसे आगे कामकाज होता है दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट के अपडेट। नमस्कार।